हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भूमिका इजी आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे। तो इसके लिए हमें 500 ग्राम चीनी, एक गिलास दूध, गुलाब जामुन बनाने का मिक्स, तेल और पानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक तपेला लेना है, उसमें हम पानी डालेंगे, 1 लीटर पानी डालेंगे। और अब हम चाशनी बनाएंगे। तो गैस शुरू कर देना है। हम इसको अच्छे से उबाल लेंगे। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। अब इसकी हमें अच्छे से चाशनी बनानी है। इसे हम अच्छे से उबलने देंगे, जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक। हमें गैस की फ्लेम फुल रखनी है, तभी ये चाशनी अच्छे से बनने की। और बीच बीच में इसे हिलाते भी रहना है। देखिए, जब तक चाशनी बन रही है तब तक हम गुलाब जामुन बनाने के लिए डो बना लेंगे। तो इसके लिए हमें एक थाली या परात चाहिए, उसके अंदर हम ये मिक्स डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है दूध के साथ। हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। हमें डो ना ही थोड़ा थिक चाहिए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, हमें मीडियम का चाहिए। चाशनी को भी हिलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमें इस डो के अंदर पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, हमें बस दूध का ही ज़रूरत होगी इसमें। इसको हमें अच्छे से हाथ से गूंथ लेना है, जिससे कि ये अच्छा सा मतलब डो बन जाएगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये डो हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। और ये देखिए, दूध हमारा इतना यूज़ हो गया है और 2-3 स्पून बच गया है। अब हम इसे ढककर रख देंगे, ऐसे ढककर रख देंगे इसे साइड में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी बन रही है। अभी थोड़ी सी देर इसे अभी और पकाना है हमें। ये देखिए, चीनी तो मेल्ट हो गई है, लेकिन अभी थोड़ी देर और पकाना है इसे। देखिए फ्रेंड्स, चाशनी बनकर तैयार है। अब इसको हम अब ढककर रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें गैस ऑन करनी है, उसके बाद हम इसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे। ये देखिए, ये कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम घी या तेल डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। देखिए, इतना हमें डाल देना है। ये हम तलने के लिए यूज़ करेंगे, तो इसे हमें गरम करना है अच्छे से। आप इसमें 500 ग्राम घी या तेल ले सकते हैं। अब हम देखते हैं, हमारा डो अब तैयार हो गया है। ये देखिए, अब हम इस डो की छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए, हम इनकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे गुलाब जामुन बनाने के लिए। हमें छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। हमें थोड़ा सा हाथ पर तेल लगाना है और इनकी बॉल्स बना लेनी है। देखिए, ऐसे हमें सारी बॉल्स रेडी कर लेनी है। ये देखिए, हमें इतनी तो बना ली है और सारे भी हमें ऐसे ही बनानी है। साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हो, बड़ा छोटा जैसा आपको चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर छोटी बॉल्स बना रही हूँ, क्योंकि फूल कर बड़ी हो जाती हैं, इसलिए छोटी सही रहती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी तेल गर्म हो गया, इसमें हम थोड़ा सा डो डालकर देखेंगे। तो ये देखिए, ये गर्म हो गया अच्छे से। अब जो हमने बॉल्स बनाई हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे और आँच हमें धीरे कर देनी है। ये देखिए, देखिए ऐसे हमें धीमी आँच में हमें इसे पकाना है अच्छे से। 4-5 मिनट तक हमें इसकी मतलब पूरी साइड से इसे पका लेना है अच्छे से, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक।
अब हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे। ये देखिए इनका डार्क ब्राउन कलर आने तक हमें इन्हें पकाना है। देखिए हम धीमी आंच में इसलिए पका रहे हैं जिससे कि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए ये सारे तैर तैर कर ऊपर आ गए। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें थोड़ी देर इनको और चलाना है, तब तक ये अच्छे से पक जाएंगे। अब हम इन्हें निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए ऐसे हम दूसरे प्लेट या कोई बर्तन में डाल देंगे। ये देखिए सारे हम निकाल लेंगे। हम इसी तरह से सारे गुलाब जामुन पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छे से। देखिए ये देखिए फ्रेंड, जो हमने चाशनी बनाई थी उसके अंदर हमने जो गुलाब जामुन फ्राई करे थे वो डालेंगे। ये देखिए ये हमने डाल दिए और ढक देंगे। 1 घंटे तक हमें इन्हें चाशनी में ही रखना है जिससे कि ये अच्छे से रसीले हो जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने चाशनी में डाले थे रसगुल्ले, ये देखिए फ्रेंड्स हमारे टेस्टी एंड यम्मी गुलाब जामुन बनकर रेडी हैं। ये देखिए एकदम गरम गरम, एकदम ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं। देखिए ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं और कितने रसीले हैं। ये देखिए एकदम गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनकर हमारे रेडी हो गए। एंजॉय करें, खाइए, मज़े कीजिए और सर्दियों के लुत्फ़ उठाइए। आप भी गुलाब जामुन बनाइए और एंजॉय कीजिए।